रवा पे बनाने के लिए हमें लगेगा 1 कप उड़द दाल। इसे हमें धोकर 2 घंटे के लिए भिगोकर रखना है। उसके बाद हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, एक फाइन पेस्ट में ग्राइंड करना है। इसे इसका एक स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए, इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी भी डालेंगे। देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बना है इसका। अब हमें इसे एक पतीले में निकाल लेना है और उसमें 1 कप रवा मिक्स करना है। इसे अच्छे से मिला लीजिए, ये थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा तो इसमें हमें पानी भी डालते जाना है और इसे अच्छे से पेस्ट बना लेना है। बैटर तैयार करना है हमें, जैसे हम डोसा का बैटर तैयार करते हैं उसी तरह। इसमें एक भी क्लम्स नहीं आने चाहिए। अब इसमें हमें 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है। इसे भी अच्छे से मिला लीजिए। अब इसे हमें 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखना है। देखिए बैटर कितना फूक गया है 8 घंटे बाद। ये बैटर इसमें मिलने लायक नहीं है तो इसे हम दूसरे पतीले में मिला लेंगे। देखिए कितना अच्छा बैटर बन चुका है हमारा, बिना ईस्ट के। इसमें हमने ना ईस्ट का यूज़ किया है ना कुछ, सिर्फ बेकिंग सोडा से ही कितना बढ़िया बैटर बना है हमारा। अब इसमें हमें 1 चम्मच नमक मिलाना है और 1 चम्मच तेल। इसमें हमें 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज डालना है और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये हम टेस्ट के लिए मिला रहे हैं, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब पे के साचे में हमें एक एक पौर में थोड़ा थोड़ा तेल मिलाना है। अब इसमें हमें बारी बारी 1-1 चम्मच हर एक पोर को फिल करना है। 1-1 चम्मच भरिए, ज़्यादा भरने से ये फूक कर बाहर आ सकते हैं, फिर इसे पलटने में हमें मुश्किल हो सकती है। ये पकना शुरू हो गया है, अब इस पर हमें लीड रखना है। 2 मिनट के लिए लीड रखकर पकाना है इसे हमें। देखिए स्टीम आ रहा है ऊपर, कितना मस्त लग रहा है। अब हम इसे उठाकर देखते हैं, पक चुके हैं। 1-1 को पलटना है हमें, दूसरी साइड भी पकनी चाहिए। हर एक को अच्छे से पलट लीजिए। देखिए एक साइड कितने सुनहरे हो गए। अब पे बहुत अच्छे से फूल चुके हैं हमारे। इसे हमें लीड लगा कर रखना है और 1 मिनट के लिए स्टीम होने के बाद देखिए दोनों साइड पक चुके हैं अब हमारे अप्पे। इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है। देखिए कितने अच्छे से आ जा रहे हैं, कितने स्मूथ, कितने टेस्टी लग रहे हैं देखकर ही। देखिए कितने मस्त लग रहे हैं ये अप्पे, सुनहरे कितने टेस्टी लग रहे हैं।
इसे आप किसी भी चटनी के साथ परोस सकते हैं। अगर आपको चटनी का वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।